दोस्तों, मेरा नाम अनिल, आप देख रहे हो एके दी टेक्निकल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे टेक्नो पोवा वर्सेस पोको M3। सारा कुछ बताऊंगा, कौन सा पावरफुल है, कौन सा गेमिंग फोन है या कैमरा फोन है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नो पोवा के बारे में। तो यहाँ पर इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G86000mAh की बैटरी है। पंच होल डिज़ाइन यहाँ पर रखी गई है। दूसरी तरफ जो पोको M3 है उसके अंदर आपको जो है नॉच वाली डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, 6000mAh की बैटरी है, और पोको M3 में भी सेम चीज़ें ही है। अगर मैं बात करूँ कैमराज की तो यहाँ पर डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि पोको M3 में 48MP का मेन कैमरा है, 2MP का मैक्रो, 2MP का डेप्थ सेंसर, लेकिन यहाँ पर जो कैमराज होने वाली है 13MP का यहाँ पर मेन सेंसर है, 2MP का मैक्रो, 2MP का डेप्थ सेंसर और एक AI सेंसर। और यहाँ पर डिस्प्ले की बात करो तो 6.8 इंच का 720p डिस्प्ले है, जबकि पोको M3 में 1080p डिस्प्ले है, लेकिन उसमें नॉच वाले डिज़ाइन है एंड 6.53 है, मतलब कॉम्पैक्ट साइज है, ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले है और 720p आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है इन्होंने ओवरहीटिंग का भी एक थर्मल सॉल्यूशन इन्होंने निकाला है, तो मतलब हल्की फुल्की लिक्विड कूलिंग आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के रैम एंड रोम के बारे में, 6GB 128GB वेरिएंट है, जो कि आपको 25,000 का देखने को मिल जाएगा, आफ्टर डिस्काउंट आपको कहीं पर 23,000 का देखने को मिल जाएगा। पोको M3 की प्राइस कंफर्म नहीं है, लेकिन र्यूमर्स ये कह रहे हैं 4GB 64GB वाला जो वेरियंट है वो 23,000 के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको गेम मोड भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप अच्छी अच्छी मतलब ट्रिगर्स वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर बन जाती है। तो आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? ऑब्वियसली अगर आपको प्योरली गेमिंग करनी है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कैमरा क्या है, UI से आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको टेक्नो पोवा बाय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6GB की रैम है और 128GB की स्टोरेज होने वाली है। तो गेमिंग में भाई ये फ़ोन बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। G80 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, स्नैपड्रैगन 662 से, ऊपर मैंने आई कार्ड में लिंक दी होगी, लेकिन जिस बंदे को अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए वो स्नैपड्रैगन 662 वाला फ़ोन यानी कि पोको M3 बाय कर ले, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कमाल है। दोनों ही फ़ोन में आपको 8MP की सेल्फी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर टेक्नो में फ्रंट में 2 LED फ्लैश भी दी गई है, जो कि काफ़ी कमाल बात बन जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पोको M3 के बारे में, तो पोको M3 बहुत अच्छा फ़ोन है। अब कैमरा में पोको M3 से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर 48MP का सेंसर है, बेसिकली वो तो 12MP का ही सेंसर है, लेकिन ऑप्टिमाइज़ करके आपको 48MP प्रोवाइड कर देगा। MIUI 12 है, तो ओवरऑल मैं समझूंगा कि ये जो पोको M3 है, ये कैमरा, गेमिंग, बैटरी तीनों चीज़ों में आगे है। टाइप सी पोर्ट है और यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट है। डिज़ाइन में मुझे टेक्नो पोवा अच्छा लगा। अगर मुझे इंटेंस हैवी गेमिंग करनी है, यानी कि 7-8 घंटे सिर्फ मैं PUBG के लिए ही फ़ोन खरीदूँ, तो मैं बेसिकली टेक्नो पोवा ही खरीदूँगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें बैटरी भी अच्छी हो, कैमरा भी गुड हो, और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट हो, ओवरऑल सब चीज़ें बैलेंस्ड हो, तभी मैं पोको M3 खरीदूँगा, क्योंकि उसके रीड एंड राइट स्पीड भी अच्छी है। अगर आप USB वगैरह कनेक्ट करके फाइल शेयर करते हो तो काफ़ी फास्ट आपको फाइल शेयरिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो मेरे लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको सिर्फ PUBG खेलनी है तो आप मीडियाटेक हीलियो G80 यानी कि टेक्नो पोवा के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको तीनों चीज़ें बैलेंस चाहिए कि यार बैटरी भी अच्छी चले, उसके अलावा कैमरा भी ठीक ठाक हो, और गेमिंग भी मतलब आपको पूरे दिन में 2-3 घंटे या 4 घंटे करनी है, तो आपके लिए स्नैपड्रैगन 662 वाला फ़ोन यानी कि पोको M3 काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। पोको M3 में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, उसके अलावा IR सेंसर, जिससे मतलब आप रिमोट वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, जबकि टेक्नो पोवा में सिंगल स्पीकर है और उसके अलावा कोई IR सेंसर नहीं है, एंड रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट है और यहाँ पर साइड माउंटेड है। लेकिन कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि इसका जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है उसमें थोड़े से इश्यूज़ हैं, मतलब बग्स हैं, तो आई होप के पोको उसको अपडेट के थ्रू सही कर देगा। आप क्या सोचते हो कमेंट ज़रूर बताना, वीडियो पसंद तो लाइक करो, कमेंट करो तो आपको वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।